अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ाही गोट फार्म। और ये अभी जो सीन है ये है आफ्टर बकरा ईद, ज़ाही गोट फार्म का आफ्टर बकरा ईद। वैसे बकरियाँ यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन कैसा है अभी थोड़ा सुनसान लग रहा है बकरा ईद के बाद, क्योंकि सारे बकरे जितने भी थे पलाई पे वो सब कुर्बानी के लिए चले गए। और अभी आप देखोगे यहाँ पे कई सारी बकरियाँ थी, तो उन्हें बारिश की वजह से इस शेड में डाल दिया गया। तो अभी आप हम लोग थोड़ा अंदर भी जाएंगे, लेकिन वैसे देखा जाए क्योंकि हमारा बहुत फ्रीक्वेंट विजिट रहता है इधर फार्म पे, एज कम्पेयर टू दैट यहाँ पे आज कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा लग रहा है, एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं है इधर, सुनसान एकदम। बकरियाँ अंदर हैं और इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे जस्ट ये सब फीड वीड की तैयारी चल रही है, जो भी अपकमिंग अगले साल के लिए जो बकरे हैं ये सारी फीड की तैयारी हो रही है, बकरों को फीड डालने की। और या सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली अब उतने बड़े बकरे नहीं रहेंगे, सब छोटे छोटे ही हैं अगले साल की तैयारी के लिए, तो लोगों ने डाल के रखा है। कुछ फार्म के भी बकरे हैं यहाँ पे, फार्म के खुद के अटीवाई के खुद के बकरे हैं यहाँ पे। और ये देखिए पहले जैसा माहौल नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज जितने भी सारे बकरे थे वो सब चले गए, अल्लाह उन सारी बकरों की कुर्बानी कबूल करे और हमें सवाब का ज़रिया बनाए। और ये अगर आप देखोगे तो ये अभी फ़िलहाल नज़ारा है अंदर का, ये एक ब्रीडिंग बक है, मस्त है ये। ये दोनों अंडुल बहुत ज़बरदस्त है। और शाबान किधर है, ये शाबान आवाज़ देने पे कुछ सुनता है, मुझे समझ। सब अभी छोटे छोटे बकरे, इंशाल्लाह आप सबको फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, जब भी हम फार्म पे विज़िट करेंगे और वीडियोस बनाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये बकरों में क्या इम्प्रूवमेंट, क्या रिज़ल्ट, हाँ शाबान उधर है, ये है शाबान, शाबान ये देखो, ये ऐसा हो गया कि अब इसका नाम बुलाओ तो ये भाग के आता है। शाबान, फिर रिस्पॉन्स देता है ये अपना नाम बुलाने पे। मोस्टली जिन लोगों ने उसे यहाँ पे पाला है, फार्म वालों ने, मुबारक भाई ने जिन लोगों ने पाला है, उन लोगों की आवाज़ सुनता है और उनकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड भी करता है, भाग के आता है, अकीलवाई के लिए भी भाग के आता है ये, तो माशाल्लाह बहुत ह्यूमन टच वाला बकरा है ये। अब इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी होगी 2023 के लिए। ये एक है और एक हमारा ये है नागफनी, इसका नाम छोटू है, लेकिन ये तैयार होगा, ये भी ये इंशाल्लाह अगले साल के लिए 2022 के लिए, और शाबान 2023 के लिए इंशाल्लाह तैयार होंगे। तो ये अभी फार्म का अंदर का नज़ारा है, अगर आप देखो तो सब अभी छोटे छोटे ही बकरे, लेकिन इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा, बिकॉज अखिल भाई पे बहुत ट्रस्ट है, उन लोग वो रिज़ल्ट ला के देते हैं और अल्लाह ने उनके हाथ में बकरों के लिए बहुत मतलब शिफा और बहुत मतलब बकरों के लिए बहुत उनके अंदर मतलब है टैलेंट, एक्सपीरियंस और बहुत कुछ है उनके अंदर, तो उन्होंने बकरों को अच्छे पालेंगे इंशाल्लाह, इतना भरोसा है। ठीक है, तो ये है अभी फार्म के अपडेट्स, ये सारे बकरे हैं 2022 2023 जैसे भी रहेंगे, आप तो सारे बकरे देखेंगे। ये है अभी फार्म के अपडेट्स, ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों की ईद अच्छी गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से कुर्बानी किया होगा, अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।